ये फल बहुत फायदेमंद होता है। इसको फल के रूप में भी कहेंगे या सब्जी के रूप में भी कह सकते हैं इसको। ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब जहाँ बर्फ गिरती है वहीं ये फल होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, इसको आप अपने छत में गमले में भी लगा सकते हैं। इस फल के प्रयोग बहुत चीज़ों में किया जाता है, वाराही कंद भी कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, और इसको हम आम भाषा में जो बोलते हैं गेठी बोलते हैं। इसको एयर पैटेटो इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में क्योंकि ये हवा में उगने वाला आलू की तरह है। देखिए ये जो होता है आलू की तरह होता है। ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको जो है अपने गमले में भी लगा रखा है। देखिए ये वैसे तो जंगली होता था ये फल, लेकिन इसको हम आम रूप में भी यूज करते हैं। इस फल को जो यूज करने का तरीका है, इसको हम उबाल के जैसे आलू खाते हैं उस तरीके से भी खा सकते हैं, या इसको आग में धीमी आंच में सेक कर वैसे भी खा सकते हैं। इसको कच्चा नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये बहुत थोड़ा कसैला होता है। अगर इसको हम थोड़ा पका लेंगे तो तब ज़्यादा इसका फायदा भी होता है और ये इसका जो कसैलापन है वो दूर हो जाता है। ये जो गेठी जो फल होता है ये बेल के रूप में होता है। देखिए जो मैंने बेल लगाई है, देखिए इसमें फल आ रहे हैं हर जगह से। इसका प्रयोग जो है कई लोग जो गठिया के रोगी होते हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों के जो सूजन आ जाती है जोड़ों में, ये उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कब्ज होती है किसी को, उसमें भी इसका बहुत फायदेमंद होता है। कब्ज को भी दूर करता है ये, इसकी सब्जी अगर हम बनाकर खाते हैं। और ये इससे जो स्किन डिजीज होती हैं जैसे चेहरे में दाग दाग हो जाते हैं, अगर इसका प्रयोग करेंगे, इसके पत्तों का भी प्रयोग होता है आयुर्वेद में, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उससे दाग दाग भी कम हो जाएंगे आपके चेहरे के, या शरीर में कोई डिजीज है जैसे पुराना दाग है वो सब दाग इससे दूर होंगे। तो ये एक आयुर्वेदिक पौधा है, आयुर्वेदिक सब्जी है। इसको हम सब्जी बनाकर आलू की तरह भी खा सकते हैं। अब मैं इसको प्रयोग तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसका प्रयोग जो करते हैं जैसे हम इसको उबालेंगे, उसके बाद जिसको छिलका है छिलके को निकालना पड़ता है, जैसे आलू के छिलके निकालते हैं उसी प्रकार से इसके छिलके को निकाल के तब इसको खाया जाता है, और या आग में सेक कर धीमी आँच में तब भी इसके छिलके निकालने पड़ते हैं। ये मैंने अपनी छत में लगा रखा, देखिए, और ये बेल कितनी बड़ी हुई है। अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो ये आसानी से उग जाता है, क्यों इस समय इसकी जो है इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। इस समय आप इसको लगाएंगे तब भी ये आसानी से उग जाएगा और 1-2 महीने में आपको इससे फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए मैंने जो लगा रखा है ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है, इसकी बेल जो है ग्रो बैग में लगाई हुई है। देखिए इस तरीके से इसकी एक बेल आई है ग्रो बैग में। इसको थोड़ा सा बड़ा साइज का गमला चाहिए, कम से कम 24 इंच का गमला चाहिए चाहिए, क्योंकि इसमें जो जड़ें होती हैं बहुत फैलती हैं, मूसला जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इसकी वजह से इसको 24 इंच से ऊपर का गमला चाहिए। तो उसमें लगाएंगे तो आप ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये जो होता है ये बीज इसका यही होता है। अगर हम इसको आप इसको लगाना चाहते हैं तो ये आपको पहाड़ी इलाकों में मिल जाएगा। इसके जो आप गेठी कहकर अगर कहीं से लेंगे इसको, सब्जी मार्केट से जो पहाड़ की होती है वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हम रखे रहेंगे तो अगले साल भी ये यूज हो जाता है। ये बीज जो है अंकुरित होने लग जाता है जब इसका ग्रोविंग टाइम आता है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है मैंने इसकी वीडियो पहले भी बना रखी है, क्योंकि मैं पिछले साल भी मैंने इसको लगाया था अपने जो गार्डन में छत में, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं वो वीडियो से जान सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे अपनी छत में, और इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। जब पहली बार इसमें आप गमले में लगा रहे हैं तो उसमें ही गोबर की खाद मिक्स करके मिट्टी में मिला दीजिए, उसके बाद इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही ग्रोथ करने लग जाता है क्योंकि एक जंगली पौधा है। तो उसी से थ्रू मैं अपने गाँव से लेके आया और ये बीज बोया, उसके बाद इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और 2 साल से मैं इसको लगा रहा हूँ, और इसके हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है। देखिए कितने सारे फल एक साथ आ रहे हैं। जितने आप इसको तोड़ते रहेंगे उसके बाद इसमें ये 2-3 महीने अभी बरसात के बाद इसमें फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पूरी सर्दियों में इसमें फल आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका जो गेठी है इसको उगा सकते हैं अपने गार्डन में, इसको छत में भी उगा सकते हैं। और ये बेल के रूप में फैलता है, तो इसके लिए आप जब भी इसको लगाते हैं तो इसको जो कोई ऊपर चढ़ने वाली चीज़ है उसमें लगा दीजिए और ये ऊपर को चढ़ते रहेगा। ये मैंने देखिए
ये तार है छत में लगा हुआ, उसी में लगा रखा और ये पूरा फैल चुका है। देखिए कितना फैल चुका है, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें बहुत सारे फल आए हुए हैं। आयुर्वेदिक औषधि है, इसको आप ज़रूर लगाएं अपने घर में, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। अगर इसको आप उमाल के आलू की तरह बनाते हैं तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है, इसका कसैलापन दूर हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, इससे हड्डी के रोग भी दूर होते हैं और जो पेट में कब्ज वगैरह होती है वो भी दूर होती है, और जो शरीर में जितने पाचन क्रिया या आपके यूरिन डिजीज है, जैसे किसी को होती है कि इन्फेक्शन वगैरह होता है यूरिन में, यूरिन पास करने में जलन वगैरह होती है, तो उसमें भी इसका बहुत प्रयोग है। इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे जो हमारी जो यूरिन पास करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है और इन्फेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, यूरिनल इन्फेक्शन। तो आप इसको ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। धन्यवाद।